बाद कुछ अहम खबरों के। स्पेस एक्स के पोलेरिस डॉन मिशन ने नया कीर्तिमान बनाया है। पहली बार पृथ्वी से 737 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में आम नागरिकों ने स्पेस वॉक किया। अपोलो मिशन पूरा होने के 50 साल बाद ऐसा अनोखा काम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अंतरिक्ष में फिर रचा गया इतिहास। धरती से 737 किलोमीटर ऊपर किया स्पेस वॉक। चार आम आदमियों ने किया स्पेस वॉक। अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैज्ञानिक आए दिन नया इतिहास रच रहे हैं। अब स्पेस एक्स के पोरलिस डॉन मिशन ने नया कीर्तिमान रच दिया। दरअसल आम आदमी ने पहली बार धरती से 737 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। ये कीर्तिमान अपोलो मिशन के 50 साल पूरे होने के बाद रचा गया। मिशन कमांडर जारेड आइसेक मैन ने पहले स्पेस वॉक किया। इस दौरान वो नया एडवांस प्रेशराइज्ड सूट पहने नजर आए। पोलिस डॉन मिशन में चार लोग अंतरिक्ष में गए हैं। इस मिशन में जो लोग अंतरिक्ष की सैर पर पहुंचे उनमें कमांडर जारेड आइसेक मैन, पायलट स्कॉट किड पुटेट, मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलीस और अन्ना मेनन शामिल हैं। कमांडर जारेड आइसेक मैन एंटरप्रेन्योर रईस हैं, जिन्होंने इस मिशन की फंडिंग की है, जबकि पायलट स्कॉट किड पुटेट अमेरिकी वायुसेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल है। वहीं गिलीस और मेनन दोनों ही स्पेस एक्स के इंजीनियर्स हैं। इन चारों में से आइसेक मैन और गिलीस ने पहली बार निजी स्पेस वॉक किया। जब इन चारों ने स्पेस वॉक किया तब ड्रैगन कैप्सूल धरती से करीब 737 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, जो अपोलो काल के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा क्रू मिशन भी है। ये मिशन 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। पोरलिस डॉन मिशन की लॉन्चिंग तीन बार टाली गई। पहले इस मिशन को 26 अगस्त को लॉन्च करना था, तब प्री फ्लाइट चेकअप में गड़बड़ी मिलने के बाद इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई। इसके बाद 27 अगस्त को लॉन्चिंग हीलियम लीक की वजह से टाल दी गई, जबकि 28 अगस्त को मौसम खराब होने की वजह से इस मिशन को टालना पड़ गया। इसके बाद स्पेस एक्स ने 10 सितंबर 2024 को पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया। मिशन की लॉन्चिंग केप कैनवरल से की गई। इस मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।